हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप मुझसे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और हमारी अपनी वेबसाइट www.pluspointonline.com। ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर लिए, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टैली, ऑटो कैड, एम्बेडेड सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दिए। और भी नए नए कोर्सेज हम लोग इसमें शुरू करने वाले हैं। तो यदि आपको कोई भी कोर्स करना है तो बेझिझक होकर आप मुझसे कॉल कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। ये सब कोर्सेज करने के दो तरीके हैं, आप कंप्यूटर, लैपटॉप या आप मोबाइल के जरिए कर सकते हो। कंप्यूटर या लैपटॉप के जरिए करना है तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में आपको विजिट करना रहेगा, और मोबाइल के जरिए करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा एक ऐप है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये ऐप डाउनलोड करके आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स आसानी से सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करिए तो मैं पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है टैली के लिए। आपको मालूम रहेगा कि टैली में भी हम लोग ने ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर लिए है। तो टैली में ये क्या होता है, मतलब आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, अभी क्या होता है कि आप इतने साल से समझो काम कर रहे हो और अचानक से कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गया और आपका डेटा पूरा चला गया कंपनी का, तो ये सब डेटा का आप बैकअप कैसे रखोगे और बैकअप लेने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको रिस्टोर कैसे करोगे, यही है आज का टॉपिक। तो आज मेरे साथ में जुड़े हुए हुज़ैफ़ा सर, देखते हैं हुज़ैफ़ा सर हमें बैकअप और रिकवर करना टैली में कैसे सिखाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए निकेत शाह प्लस चैनल को और बेल आइकन का दबाइए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए। हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैकअप एंड रीस्टोर। बैकअप और रीस्टोर किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों, जब तक मैंने कुछ कंपनीज बना के रखी हुई है, कंपनी 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरीके से मेरी 6 कंपनीज है। अब दोस्तों, ये 6 कंपनी का मुझे बैकअप लेना है मेरे ई ड्राइव में, आपका जैसा भी ड्राइव हो। तो इधर पे मेरे 2 ड्राइव से, सी है और एक ई है, ठीक है। तो मुझे ई ड्राइव में एक बैकअप लेना है, ठीक है। तो बैकअप किस तरीके से हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इधर पे आपको जाना है जस्ट बैकअप ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पर आपका सोर्स डेटा, यानी आपका डेटा कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकलेगा वो आ रहा है सोर्स डेटा। डेस्टिनेशन डेटा कहाँ पर सेव होएगा वो आएगा, ठीक है। तो पे मैं ई ड्राइव में डालता हूँ, ठीक है। ई ड्राइव में टैली बैकअप करके एक नाम देता हूँ फोल्डर को, ठीक है। फिर उसके बाद कितनी कंपनीज, तो मुझे सारी कंपनीज का बैकअप चाहिए। तो मैंने इधर पे दोस्तों बैकअप ले लिया है सारी कंपनी का। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इधर पे सारी कंपनीज को शट कर देता हूँ, यहाँ पर जितनी भी कंपनी ओपन है सबको शट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं इधर पे सी ड्राइव में जाता हूँ, मतलब मेरे सी ड्राइव में जहाँ पर ये कंपनीज पहले हुआ करती थी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कोई भी कंपनी क्रिएट करता था तो वो मेरी कंपनी किधर सेव होती थी, सी में, टैली आर पे डेटा में जाके सेव होती थी। अब मैं वहाँ से भी क्या करता हूँ, डेटा को डिलीट कर देता हूँ, यानी ये सिलेक्ट कंपनी जो है इसके अंदर अभी आप देखोगे कि सारी कंपनी अवेलेबल, तो ये सारी भी कंपनी में क्या करने वाला हूँ, डिलीट करने वाला। तो वो किस तरीके से करूँगा, तो यहाँ मैं जाऊँगा सी ड्राइव में, यहाँ पर मैं जाता हूँ मेरा टैली आर पे, यहाँ पर मेरा डेटा, तो ये जितना भी डेटा है इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह पर ये सारे के सारे डेटा मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब आप अगर सिलेक्ट कंपनी में देखोगे तो आपको एक भी कंपनी नज़र नहीं आती है, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपने सारी कंपनीज डिलीट कर दी, अब आपको जो कंपनी गई है उसका वापस से चाहिए, मतलब बैकअप वापस चाहिए, रिस्टोर करना है वापस को, ठीक है। तो इधर पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ रिस्टोर पे, ठीक है। अब इधर पे दोस्तों देखोगे आप रिस्टोर में इसने डायरेक्टली सोर्स से अपना डेटा ले लिया, और इधर पे जो फाइल मैंने बनाई थी ई ड्राइव में आपको नज़र आ जाएगी, देखिए टैली बैकअप, ठीक है। ये बैकअप फाइल हम लोग की है, यहाँ पर हम लोगों ने जितनी भी कंपनी थी उनका सिलेक्ट किया और वापस से रिस्टोरिंग कर लिया। तो देखिए वापस से कंपनी हम लोगों की आ गई है, और ये कंपनी आपकी ऑटोमेटिक सी ड्राइव में चले जाएगी। आप अगर अभी जब सी ड्राइव अपना चेक करोगे उसके अंदर टैली आर पी आप चेक करोगे डेटा, तो देखिए सारी कंपनी रिटर्न हो गई, ठीक है। तो बैकअप लेने का हम लोगों को ये क्या होता है, फ़ायदा होता है, ठीक है।
एक बार और देख लीजिए कैसे बैकअप लेना है। तो बैकअप में सिर्फ क्लिक कीजिए, यहाँ पर मैं आपकी सोर्स चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे सोर्स चेंज कर दिया, आपकी मैं ले रहा हूँ कंपनी ऐसा नाम दे रहा हूँ फोल्डर का, ठीक है। यहाँ पे मैंने नाम दिया ऑल बैकअप एक्सेप्ट, तो ये बैकअप हो गया। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये जितनी कंपनी मेरी सी ड्राइव में, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये तो इधर मुझे मिलेगी नहीं, मेरे टैली में सेलेक्ट कंपनी में देखता हूँ तो ये कोई भी कंपनीज मुझे नज़र नहीं आती। तो अब मैं क्या करता हूँ, रिस्टोर का ऑप्शन यूज़ करता हूँ। तो रिस्टोर में ऑटोमेटिक देखो उसने कंपनी ले लिया। अगर आपने दो तीन फोल्डर में किया है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप उधर का सिर्फ यहाँ पर जाके इधर से लिंक ले लीजिए, ये कॉपी कर लीजिए और टैली में जाके कंट्रोल अल्ट भी करके उधर पे पाथ वाली जगह पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से टैली कंपनी हम लोगों ने बनाया था, इसका देखिए मैं कैसे लिंक लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और इधर पे सिर्फ आपको क्या करना रहता है, टैली में आके कंट्रोल अल्ट भी आप पेस्ट कर देते हो बस, ठीक है। उसके बाद जो कंपनी का आपको चाहिए वो कंपनी आप सिलेक्ट करके भी ले सकते हो, अगर आपको ऑल कंपनी चाहिए तो ऑल कंपनी ले लीजिए और एक्सेप्ट। तो अभी आप सिलेक्ट कंपनी में जब चेक करते हो तो सारी कंपनी आपको सही सलामत मिलती है, साथ ही साथ इसमें जो भी एंट्रीज आप करते हो वो भी आपको सही सलामत मिलेगी। तो ये था दोस्तों हम लोगों का बैकअप एंड रिस्टोर, आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।